अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करेले, जिसके लिए हमने 400 ग्राम करेले लिया है, जो तीन बड़े बड़े थे, साइज़ के थे, जिसे हमने इस तरह पतले पतले स्लाइस में काट दिया है। फिर इसके बाद हमने 5-6 कड़ी पत्ते लिए हैं और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 टेबल स्पून बेसन लिया है और 2 बड़े टेबल स्पून चावल का आटा लिया है, जो हमें इसमें एक क्रिस्पी क्रिस्पी क्रश देगा। और 1 टेबल स्पून जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया लिया है और 2 टेबल स्पून कंटक्की मसाला लिया है हमने, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और एकदम आधा टीस्पून तंदूरी कलर लिया है और 1 बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा टेबल स्पून नींबू का रस लिया। फिर इसको हमने हल्का सा, बिल्कुल गरम तवे पे हल्का सा भुना है ताकि ये जल्दी से पिस सके, कुरकुरे रहे। इससे भुनने से ये कुरकुरे रहते हैं। धनिया और जीरे को हमने पहले थोड़ा रफली पीस लिया है, ऐसा मोटा मोटा। फिर उसके बाद उसमें हमने कड़ी पत्ता डालकर इस तरह उसे रफली पीस लिया है, जो हम इसमें हम मिलाएंगे। फिर उसके बाद इसमें नींबू का रस और फिर नमक, आप आपके हिसाब से, स्वाद के हिसाब से आप नमक आपके हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अदरक लहसुन डाल देंगे और ये करेले तलने के बाद बिल्कुल भी कड़वे नहीं दिखते। आप खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएंगे कि बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी दिख। तंदूरी मसाला, फिर चावल का आटा, फिर ये कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं एक के बाद एक, जो हमने यहाँ पर मसाले रखे थे ये सब एक साथ डाल देंगे। ये बेसन डाल रहे हैं हम, फिर ये तंदूरी कलर, फिर ये इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस तरह से हर एक करेले पर पूरा मसाला अच्छी तरह लगा देंगे। फिर इसे आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना, फिर इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। ये करेले को हमने जो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था, तो उसे निकाल कर उसे हम फ्राई करेंगे और इसे ऐसे ही छिलकों के साथ ही रहने दिया हमने करेलों को, कि छिलके नहीं निकालना है, और इसे हम फिर फ्राई करेंगे। एक 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 करके डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देना है हमें। फिर उसके बाद हम एक, हमने तेल को अच्छी तरह गर्म होने दिया है, फिर इस तरह हम एक 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 करके इसमें ये करेले डाल के फ्राई होने दें, होने अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई होने देंगे। इस तरह कम से कम 3-4 मिनट तक फ्राई होने देना है हमें। इसे क्रिस्पी हुए तक फ्राई करना है हमें। और आप ये बात याद रखिए, आपको जब खाना है इसे तभी इसे फ्राई करना है, बाकी का मटेरियल फ्रिज में रख देना। आप जब भी खाना चाहें इसे तब फ्रिज में से निकाल के फ्राई करें गरम गरम, क्योंकि अगर इसे फ्राई करके रख दिए तो ये नरम हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते। फिर देखिए ये इस तरह से क्रिस्पी होना चाहिए, इस तरह से क्रिस्पी होने देंगे हम अच्छे से। फिर एक टिश्यू, बाद में हमने इसमें और एक 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 करके इस तरह ब्राउन होने तक हम इसी तरह फ्राई करेंगे। इस तरह हमें जितने चाहिए उतने करेले फ्राई करके एक टिश्यू पेपर पे इसे निकालेंगे। और ये खाने में एकदम क्रिस्पी और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, बहुत टेस्टी लगते हैं।
ये इस तरह हमने पूरे करेले तल दिए, फ्राई कर लिए हैं। अब इसे इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। लीजिए, हमारे क्रिस्पी करेले तैयार हैं, जिसे आप चाहे तो फ्राई दाल या कोई भी दाल के साथ खा सकते हैं या खाली भी खा सकते हैं। ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते।